मई गु लाइव यख गो मैं सलामुअलैकुम नाजरीन, इस लाइव नशस्त में आपका खैर मकदम। और नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान तनवीर वानी। हर वक्त एक अच्छी कहानी आपके सामने हम लेकर आते हैं, और इस बार कहानी एक इतनी अच्छी है कि मैं खुशी से समा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल करम से जब बेटियां घर में पैदा होती है तो हमारे मजहब में भी लिखा है, न कि सिर्फ हमारे इस्लाम धर्म में बल्कि हर किसी मजहब में ये लिखा कि बेटियां जो है घर की जीनत होती है। और आज मेरे साथ मेरी दो ऐसे नन्हे मुन्ने जीनत है ना, आप मैं खुशी से समा नहीं पा रहा हूँ। इनका वीडियो बेसिकली एक दो दिनों से काफी वायरल हो रहा है, तो अभी महिंद्रा जो है उनके सीईओ जो है फाउंडर, उनने खुद ट्वीट करके इनका नाम भी लिया और इनका वीडियो भी अपलोड किया है सामाजिक रब्ते के जरिए। दोनों टीवी न्यूज हैं और काफी अच्छा लग रहा है। पिछली बार हमने एक टीवी न्यूज पे किया था तो उन्होंने एक यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो इस बार नन्हे मुन्ने दो, अभी इनका थोड़ा सा इसमें झगड़ा चल रहा है कि एक रिपोर्टर बनना चाहती है जैनब और ये डॉक्टर बनना चाहती है। आप अपना नाम बताओ। ज़ेबा बिन्ते तालिब। ज़ेबा बिन्ते तालिब, आप अपना नाम बताओ। ज़ैनब बिन्ते तालिब। ये झगड़ा किस पे चल रहा था, अभी रिपोर्टर कौन बनेगा? मैं। आप क्या बनोगे? रिपोर्टर। अब इसको पकड़ो, रिपोर्टर साहब जो बनेगा इसको पकड़ो। अब मुझे ये बताओ, दोनों को रिपोर्टर बनना है? दोनों को रिपोर्टर बनना है, तो फिर मुझे दो माइक लाने थे ना। अच्छा, अब अच्छा एक काम करते हैं, मैं माइक पकड़ लेता हूँ और आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आपका वीडियो जो वायरल हो इस पे बताओ। मेरा नाम है ज़ेबा बिन्ते तालिब, मैं पढ़ती हूँ नर्सरी में। मेरे स्कूल का नाम है रेड पब्लिक स्कूल बट्टे गोनाक। जो हमारी एक बर्फ वाली वीडियो थी वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। हम तो इस साल जम्मू ही नहीं गए, हमने सोचा बर्फ एंजॉय करेंगे, बर्फ ही नहीं गिरी, तो हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि आप बर्फ गिरा दो, तो बर्फ गिर गई है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप बताओ, बर्फ की वायरल वीडियो होगी, आपको पता था कि वो वायरल होगी? हाँ, पता था। हमें क्या पता था कि, हमने तो ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो बनाई थी, हमें क्या पता ये इतनी वायरल हो जाएगी। हाँ, वायरल अब किसने डाला जरा मुझे बताओ, अब किसने डाला उसको पोस्ट, किसने किया? महिंद्रा सर। किसने? महिंद्रा सर ने। अच्छा, चेयरमैन, जो चेयरमैन है, अब उनको क्या बताना चाहेंगे आप? हम उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और वो हमारे कश्मीर में आ जाए, यहाँ की बर्फ एंजॉय करे, हम हमारे साथ पिक्स ले और हमसे जल्द से जल्द मिल जाए, मैं बेतापुर से मिलने के लिए। हाँ, हम उनको पहलगाम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, हम उनके साथ मस्ती करेंगे। सच में बर्फ में? बर्फ में मस्ती करेंगे? हाँ, बर्फ के गोले फेंकेंगे। अच्छा, ये मुझे बताओ, आपकी खुद की एक चैनल भी है? हाँ। हाँ। देखो, मैंने आज तक किसी की चैनल को अपनी चैनल पे प्रमोशन नहीं किया, लेकिन इस बार तो मैं करना पड़ेगा। मुझे बेटियों से मिल रहा हूँ नन्हे मुन्ने, जरा अपनी चैनल का नाम बताओ और उसमें कितने फॉलोअर्स है, क्या फॉलोअर्स है? सच में कितने फॉलोअर्स है उसमें? फॉलोअर्स तो 1.5 लाख। अरे बाप रे बाप, 1.5 लाख आपके फॉलोअर्स है सच में? अच्छा, सुबह से कितने रिपोर्टर्स आते गए? फिर छठा आएगा, फिर सातवा आएगा ना। जितने हमारे फॉलोअर्स है उतने ही आएंगे, जितने आपके फॉलोअर्स है उतने आएंगे। अच्छा, एक मुझे बताओ, ये एक 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 मैसेज देना चाहोगे आप, कोई अच्छी छोटी सी मैसेज? क्या? नरेंद्र मोदी सर। हाँ जी। अच्छा, जो वो है प्राइम मिनिस्टर? हाँ। अच्छा, उनका हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो हमारे प्यारे कश्मीर में आ जाए, हमारा ये सपना है, वो हमारे साथ मिले, हम उनको पूरी जगह दिखाएंगे अपने एक प्यारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, अब तो एक और खबर निकल गई है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, लाइव में बता रहे हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, और ये काफी कंप्यूटर है, गूगल से मिल रहा हूं मैं, बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये दोनों मिलना चाहते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो इनसे मिलें। अच्छा, मुझे ये बताओ, और एक चीज मेरे को लास्ट में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको बच्चा खड़ा रखना,
अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तो वैसे भूल ही गया आपको चॉकलेट वगैरह लाने के लिए, गलती तो होगी मेरी ना? नहीं गलती नहीं हुई। हाँ मैं भी अभी चॉकलेट खा के आए। मैंने मुझे माफ करना है क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को लेता हूँ, लेकिन मुझे तो ले, मेरी बेटी है ना तुम्हारी जैसी छोटी, कोई बात नहीं। तो आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी हो जैसे, वैसे भी मैं बीमार हूँ। आपने तो अभी बर्फ खाया। तो वो तो मैं मस्ती कर रही थी। आप? मैंने भी खाया, मैं तो बीमार ही रही हूँ। अच्छा आपको कैसे पता कि आप ट्विन्स हो, किसने बोला आपको? अरे जब शक्ल एक जैसी है तो ट्विन्स नहीं होंगी क्या? अरे बाप रे बाप। अच्छा एक ही क्लास में कैसे पढ़ते हो, ये भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो एक क्लास में ही पढ़ेगा ना, ये फर्स्ट में पढ़ेगी या फिर मैं पहले ही वाले क्लास में पढ़ूंगी, ये सही है क्या? नहीं ये सही नहीं है बच्चा। आज मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप दरकार इतनी मस्ती हो गई आज, अल्लाह ताला इनको सेहत सलामत रखे, ये दुआ हमारी, काफी अच्छा दिल खुश हो जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दोनों के दोनों सच में बताओ, अभी रिपोर्टिंग तो हो गया, आगे क्या करना चाहते हो पढ़ाई करके? बोलो। पढ़ाई करके हमें एक फिल्म मिली है उसमें ट्विन सिस्टर्स वाली, उसमें रोल करना चाहते हैं ट्विन सिस्टर्स का। आप बताओ पढ़ाई करके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? सबसे बड़ा ख्वाब मुझे बताओ, सच बताओ। सबसे बड़ा ख्वाब जो आप अभी कर रहे हो वही बनना है। रिपोर्टर? अरे बाप रे, देखो ये रिपोर्टर बनना चाहती है। मुझे भी बनना है। आपको भी रिपोर्टर बनना है, सबसे बड़े बड़े रिपोर्टर ना? नहीं मुझे साइंटिस्ट बनना है। आपको साइंटिस्ट बनना है? हाँ, आपको रिपोर्टर। सारे केमिकल्स बनाऊंगी। अच्छा केमिकल्स बनाओगे? अरे मैं सच बोलूंगी, आप मुझे डॉक्टर बनना। आप बोलो सच, आप बोलो सच, आज झूठ नहीं चलेगा, ये लाइव चल रहा है, आज झूठ नहीं चलेगा, सच बोलो आपको क्या बनना है, दिल से, दिल से बोलो। इसको सच में रिपोर्टर बनना है। ये चुराती है कुछ चीजें कभी कभार? नहीं। सच बोलो, सच बोलो। खाने की चीजें चुराती है? क्या खाने की चीजें आप चुराती हो, सच बोलो, चुराती हो ना? नहीं। क्योंकि मेरी बहन मुझे कुछ दे देती है, छीन के ले लेती। अच्छा, अच्छा मुझे मुझे ये बताओ, आप ज्यादा मम्मी से प्यार करती हो पापा से? दोनों से। दोनों से? दोनों से। हाँ यहाँ तो कंफ्यूजन जाएगा, अगर मम्मा को कहूँ या वो उधर से हो जाएगा, अगर मम्मा को अगर अब्बा को बोलूंगी एमी उदास हो जाएगी। कितनी प्यारी बच्ची है आप, बताओ। मैं तो मुझे सब पसंद है, दादू नानी नानी नानू कोई भी, सब फैमिली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है जरा मुझे दिखाओ, कुछ नहीं। अच्छा लास्ट में एक मैसेज दे दो सब मिलके, ये बोलो कहाँ से दिखाओ, आई लव माय कश्मीर, आई लव माय कश्मीर, बाय 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 बाय। और नाजरीन काफी अच्छा बच्चा है और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मुझे लगा कि शायद आपके पास ये एक छोटी सी मैसेज है, मैसेज ये है कि इनके बड़े ख्वाब हैं, बड़े जज्बे हैं, टिविनस हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इनका ये मैसेज है कि जो ट्वीट हुआ है उसकी पजीराई करना लाजिम है। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया महिंद्रा संघ का, और एक दिली ख्वाहिश भी है, कुछ ख्वाहिशात ऐसे भी है जो स्क्रीन पे नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन एक ख्वाहिश ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है गौर लगा रहे हैं कि वो इनसे मिलने के लिए आए। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।